हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, आज शुरुआत ऐसे नहीं होगी भाई। आज लेक्चर ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, आज लेक्चर अपने स्टाइल में स्टार्ट होगा इन चार लाइनों के साथ। ध्यान से सुनिएगा। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो। किसी को नीट करना है, किसी को IIT करना है, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है इंसान के ऊपर इंसान, कोई किसी को नहीं देख रहा है, सारे भीड़ में हैं। इसलिए किसी ने कहा कि सभी हैं भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, और तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। करना आप ही को है, करना आप ही को है। टीचर आपकी हेल्प करेगा, मेंटर आपकी हेल्प करेगा, जित आपकी पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आप ही को करनी है, एग्जाम क्रैक आप ही को करना है। तो किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम भी निकल सको तो चलो। भाई कॉम्पिटिशन है तो भी फ्रेंड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना। अब फ्रेंड का अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके गम में ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप छोड़ देंगे, या थोड़ा बहुत अफसोस तो जरूर होगा। तो अपने आप से कोरिलेट करके देखिएगा इन लाइनों को, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं निदा फाजली जी की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम भी संभल सको तो चलो। और यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। जो भी ये सब हो रहा है, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, पढ़ना, और बड़े बड़े ख्वाबों को देखना, छोटे छोटे कमरों में बैठ के बड़े बड़े ख्वाबों को बुनना, एक बड़ा सा ऑफिस होगा, बड़ी सी कार होगी, कुछ इन्वेंट करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें इस एज पे मन में आती हैं बच्चों के। तो काफ़ी ढूंढ के ये लाइनें निकाली हैं। तो यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब हैं, चंद उम्मीदें हैं, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। और इन खिलौनों से बहलना ही पड़ेगा बच्चों, यही वो खिलौने हैं जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फिर से एक बार कि सफर में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो उम्मीद करता हूं कि इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे आप, और बहुत ही स्वागत है आपका #5 लेक्चर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। थोड़ा सा डिले हो गया था बीच में, उसके लिए माफी चाहूंगा। टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, यस आज का टॉपिक है भेदभाव करना। जो हमने पूरा मैजिक दिखाया था लास्ट लेक्चर में श्री धार्याचार्य रूल का, हिस्टोरिकल फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला, जिसको विद प्रूफ में लेकर आया था, क्योंकि विदाउट प्रूफ यहां पर कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहां प्रूफ के साथ पढ़ाया जाता है। अब सर डिस्क्रिमिनेंट तो रटा हुआ है उंगलियों पे, काहे एक घंटा आपका लेक्चर देख के अपना टाइम वेस्ट करूंगा मैं। बेटा यह है क्वेश्चन, वो भी मैंने मॉडरेट लेवल का लिया है क्वेश्चन, इससे ऊपर जाना है मुझे इस लेक्चर में। 4 - kx² + 2k + 4x + 8k + 1 = 0, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन, देन आई थिंक देयर इज नो नीड टू अटेंड दिस लेक्चर एट ऑल। बट हाँ, कुछ तो सीख सकते हो आप। तो अगर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, या इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तब लेक्चर हाँ फायदेमंद होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड विद मी, आज ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स पर होंगे 100%। तो आज दिन है भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेंट का, सभी को रटा पड़ा है सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो वैल्यू थी b² - 4ac, वो जीरो आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। सर वो जीरो से बड़ी आ जाए तो सर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, और वो जीरो से छोटी आ जाए तो सर इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्लास 11th में टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर आएगा वहां से, एक केस से, लेकिन सर क्लास 10th में हम लोग छोड़ देते हैं। तो वहां तक हमारा जाने का इरादा है। और दूसरा, ये डिस्क्रिमिनेंट बना कैसे, कैसे पता चला कि जीरो पे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, कैसे पता चला कि पॉजिटिव पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, जीरो पे इक्वल रूट्स हैं। तो बातें अगर मैं बहुत करूं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना आपको दिखा ही दिया जाए। और इस क्वेश्चन की चिंता मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराने वाला हूं। फाइनली मैं डस्टर लेके आ गया हूं,
लेकिन इससे बेहतर कपड़ा ही काम करता है, ठीक है कि ना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों लास्ट लेक्चर में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, करेक्ट। और किस इक्वेशन के लिए था ये? ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन के रूट्स, कोई भी इक्वेशन आ जाए, सही है बात। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव करना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल थिंग्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, जेंडर, नो, ये एसएसटी नहीं पढ़ा रहा हूं यार मैं आपको, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिमिनेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हम इस वैल्यू को बोलेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सर क्या कर लिया इसको डिस्क्रिमिनेंट लेके, और इसको बच्चों कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल डी इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। एक टेबल मैं बनाऊंगा, उससे पहले थोड़े से प्रूफ ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए, जीरो आएगा, पक्का आएगा। क्या सर, क्या 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 क्या, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, बिकॉज इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, बिकॉज अपन ने थोड़ी सी चालाकी दिखा के एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा था वहां पर, दिमाग ना हो। अच्छा जी, करके देख लीजिए, ओके, दोनों रूट्स माइनस वन आएंगे, है ना। तो अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यार बेसिक से पढ़ाना है, बिकॉज पीछे वाले बच्चों को आगे लाना है, आगे वाले तो बिंदास चल रहे हैं यार, बहुत खुश हैं अपने से। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ठीक है सर, जीरो हो गया। अब मुझे ये बताओ जब ये जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, इसको देखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो अपॉन टू ए। सर जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो हम भी तो वही बोले, नहीं होता है, हटा दे अंडर रूट जीरो जीरो। जब ये अंडर रूट जीरो हट गया तो प्लस माइनस का कोई मोल भाव रहता है यहां पर? नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया, आंसर क्या आया, माइनस बी अपॉन टू ए। एग्जाम्पल से समझाएंगे यार, यहां हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, यहां कन्वेंशनल टीचिंग होती ही नहीं है, समझ रहे हो, यहां वैसे पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो माइनस बी अपॉन टू ए, सर ये तो एक्स की एक ही वैल्यू हुई, आप स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री टू है, तो आंसर भी दो होंगे। यस सर, तो दोनों ही ये होंगे, अगर एक ही आया तो दूसरा भी अपन यही मान लेंगे। सर नहीं नहीं नहीं, सर प्रूफ करो, सर प्रूफ करो, सर एक एग्जाम्पल दिखाओ तो मजा आएगा सर। अब बात तो सही बोले भैया, सही कह रहे हो बिल्कुल, इसी को पकड़ते हैं, इसको हटा दे, पहला केस लेके चले हैं डिस्क्रिमिनेंट को। सोचा था क्या ऐसे भी पढ़ा जा सकता है? क्या सोचा था डिस्क्रिमिनेंट पे इतना डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है? सोचा था कि डिस्क्रिमिनेंट पे इतना डिस्कशन भी हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, जस्ट फील द मैथमेटिक्स, ओके। हाँ ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, माइनस बी की जगह सर माइनस का टू ले लेते हैं, प्लस माइनस सर बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, सर माइनस का फोर, ए की जगह वन, सी की जगह वन अपॉन टू ए, टू एंड ए की वैल्यू वन हो गया, सही है सर। तो माइनस का टू प्लस माइनस, फोर में से फोर गया कितना बच रहा है, फोर में से फोर गया कितना बचेगा, फोर में से फोर जाएगा तो जीरो बचेगा, ठीक है कि नहीं, फोर में से फोर जाएगा तो जीरो बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा, टू आएगा, सही है, प्लस माइनस जीरो हट गया, माइनस टू से माइनस टू को डिवाइड किया सर, आंसर आया माइनस का वन। इसके जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x प्लस वन को दो बार लिख ले, दोनों बातों को समझना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तब दोनों को जीरो के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू इससे भी माइनस वन मिलेगी, इससे भी माइनस वन मिलेगी। तो जो वैल्यू यहां पर एक बार आती है समझ लीजिए, और d जब जीरो हो जाता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जीरो हो जाता है, तो उसी वैल्यू को दो बार आप मान सकते हैं, बिकॉज फैक्टराइजेशन से वो बात वेरीफाई हो रही है। तो इस बात को समझ आ रही है ना बात, कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी,
तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, यानी कि सेम रूट्स आएंगे दोनों। अब आप जब बी की वैल्यू निकाल लें अलग से, अगर मैं होता अब क्या करता, ये पूरे कहानी हटा दे रहा हूं, अगर मैं होता तो पता है क्या करता, अब जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू से पहले ही रूट्स का नेचर चेक कर लें। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हम खुद ही लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब भी रूट्स एंड रियल एंड इक्वल हो तो देखो वैल्यू क्या आई थी, ना ही फैक्टराइजेशन करना ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ बोल रहा हूं अब ये बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं है क्योंकि डी हो गया 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही तो बचा ही है, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2। अभी अपन इसकी टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको मेंशन करा देंगे। समझ आ रही है ना बात, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, जिनकी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 होगी, वैल्यू भी तो बता रहा हूं ना मैं साथ में। खत्म हो गया सर? हाँ यार, अब भी समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं, नहीं अब मैं इस बात से मानूंगा ही नहीं कि आपको समझ नहीं आया, अब नहीं मानेंगे हम, वरना खेल में हो जाएगी बेईमानी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। ठीक है, क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ही जीरो मत रख देना यार, तुम्हें कैसे पता जीरो आ रहा है, सिर्फ चेक करो 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 टू 8, बचा 1। सही है बात, ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, लिख दे बेटा d की वैल्यू तो होती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का b, तो माइनस का 3 चल लेगा दौड़ेगा अंडर रूट d, d की वैल्यू क्या 1, प्लस में आ रही है मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 आ गई थी पिछली बार, 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो जो रूट में x होता है वो 0 से बड़ी वैल्यू पर डिफाइन होता है, क्योंकि अगर रूट में माइनस एक्स आ गया तो वो, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी और वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर में आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको इमेजिनरी नंबर, रूट में अगर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो आयोटा वाला पूरा गेम मैंने बताया है, आएगा तो फिर से बता दूंगा, अभी इस पे ध्यान दे। अपॉन का 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है अपॉन 2। अब एक बार प्लस का वन लेंगे और एक बार माइनस का वन लेंगे तो रूट्स में, रूट्स नहीं निकाल रहा हूं, एक बार प्लस का वन लेंगे अलग रूट मिलेगा, प्लस का लेके देखो माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन 2, आंसर आएगा माइनस का 1। दूसरा केस, अगर हम माइनस 1 ले तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा माइनस का 2। दोनों रूट्स मिले, दोनों रियल नंबर है लेकिन अनइक्वल है, ये कब हुआ, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई, पॉजिटिव आई। यार प्रूफ करके दे रहे हैं ना आपको हम, बात समझ में आई, तो हम ये कह सकते हैं, बताइए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, पॉजिटिव पे तो रूट डिफाइन होता है, तो जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो रूट्स रियल होंगे, एक प्लस में आएगा रूट वाली वैल्यू, एक माइनस में आएगी, तो रियल तो होंगे लेकिन साथ में क्या होंगे, अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन टेबल में बनाऊंगा, वो नोट आप कर लीजिएगा, अच्छे बच्चे हैं तो नोटबुक और पेन निकाल के तो बैठिए, बिस्तर में बैठ के लेक्चर मैथमेटिक्स में ही पढ़ी जाती, ठीक है ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो बैठ के पढ़ेंगे तो समझ लीजिए उनके मार्क्स भी बैठे हुए आएंगे, जो लेट के पढ़ेंगे उनके मार्क्स भी लेटे हुए आएंगे फिर, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, पहले डिस्क्रिमिनेंट ले लो, ले लो ले लो डिस्क्रिमिनेंट ले लो, या यहीं पे कर देते हैं, माइनस का b तो माइनस का 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4, a की जगह 2, c की जगह 3 अपॉन 2a, a की जगह 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 टू 8, 8 थ्री 24, माइनस का 24 प्लस का 1, इट इज माइनस 23, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल मैथमेटिक्स,
अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, और अगर ये बात अभी तक आपको पता नहीं है तो रियल नंबर का मेरा पहला लेक्चर उठा के जाके देख लीजिए रियल नंबर की सीरीज में, ठीक है, अगर आपको अपना बेसिक ही क्लियर करना है तो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको 2 2s 4। लेकिन क्लास 11 में एक चैप्टर आएगा, यहीं से एक चैप्टर जन्म ले रहा है यार, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। यहां पे जो बात आप छोड़ देते हैं, आपको 10 क्लास में सिखाया जाएगा कि अगर ये जो क्या था, ये क्या था बताओ सर, ये डी था, डी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, जीरो से छोटी, तो कहेंगे टीचर कहेंगे कि इमेजिनरी रूट्स लिख के छोड़ दो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ छोड़ दो यार, नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको समझा दूं तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं क्या बुरा कर रहा हूं? तो एक उम्मीद की मशाल लेके मैंने बताया था मैं निकला हुआ हूं, रेवोल्यूशन तो लाना है मैथमेटिक्स में, जो साथ देगा सो गुड सो बेटर टीम का हिस्सा कहलाएगा, है ना, बुरे टाइम में जो साथ देता है उनको लोग याद रखते हैं। बाकी तो अपन को निकलना ही है, देर से ही सही, लोग जानेंगे तो कि किसी इंसान ने मैथमेटिक्स को समझाया तो है ठीक से, पढ़ाया तो है ठीक से, ठीक हो रही है बात? तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट लिख के छोड़ दो, नहीं यार। अगर आप रियल, अगर आप वाकई में समझने वाले हैं तो रियल नंबर वाला वो लेक्चर उठा के देख लीजिए। मैंने बोला था माइनस अंडर रूट ए को ए इंटू अंडर रूट माइनस वन लिख सकते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू रूट में निगेटिव आएगी उसमें माइनस वन हम बाहर ले सकते हैं, और माइनस वन को ही यूलर, एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन यूलर, साइंस में भी काफी योगदान है उनका और मैथमेटिक्स में बहुत सारा है, हायर मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा उनका योगदान है। तो उन्होंने कहा कि माइनस वन इज इमेजिनरी यूनिट, माइनस अंडर रूट माइनस वन हर इमेजिनरी नंबर के साथ आएगा लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, या नो रियल रूट, रियल नंबर नहीं है। तो माइनस वन को उन्होंने आई लिखना स्टार्ट कर दिया, अंडर रूट ए आई, तो माइनस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, और आई बता रहा है कि ये नंबर इमेजिनरी है, और इस आई को आयोटा बोलते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है, आई की पावर 99 की वैल्यू होती है, आई की पावर 9999 की भी वैल्यू होती है, क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, आप अभी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं उधर नहीं जा रहा हूं वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 23 आई, क्लास 11 में आएगा तो ये आंसर बनेगा आपका 4। लेकिन ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, क्लास 10 का बच्चा यहां पे छोड़ देगा, लेकिन हम आगे लेकर गए, ये हो गया सॉल्व, ये आंसर भी आ गया बेटा, बट ये एक इमेजिनरी नंबर है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तीन बातें हमें डिस्क्रिमिनेंट के अबाउट क्लियर हो जानी चाहिए आज, कि अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, प्रूफ करके दिखाएं, और उसकी वैल्यू ना फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सीधे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a लिख डालो। और अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो पूरा फॉर्मूला लगेगा भैया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो पूरा लगेगा। और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है जीरो से छोटी, तो इमेजिनरी रूट्स लिख के छोड़ दो, लेकिन अपन आपको समझा दिए हैं। तो ये बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का गेम था, ना इससे पीछे कुछ था ना इससे आगे कुछ है, समझ आ रही है बात जी? देखिए डस्टर तो ले लिया है मगर काम बढ़िया नहीं कर रहा है, यहाँ पे चीजें रह जा रही हैं, तो वापस कपड़ा मोड पे ही आना पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो देखो भैया वापस एक सेकंड का ब्रेक इसलिए लिया था, देखो अपना कपड़ा जिंदाबाद, अब बोर्ड की सफाई देखो आप, एकदम चिलक रहा है ना, हाँ जी नहीं हंसने की बात नहीं, बाकी कपड़ा अच्छा काम करता है। तो अब पूरा कंक्लूजन अपना क्या निकला, जो पूरी आपको कहानी हमने सिखाई है उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या है, या इक्वेशन नहीं वैल्यू ऑफ डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आप समझ गए, वैल्यू ऑफ डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला केस, अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो आप डी की वैल्यू निकालिए, नेचर ऑफ रूट्स, तो डी बराबर जीरो पर कैसे रूट्स थे बच्चों, रियल तो थे ही थे लेकिन साथ में दोनों सेम थे, इक्वल थे ना यार, मजा तो यही है ना पढ़ने का, पहले समझ लो बात को, आप लगाओ जितनी शॉर्ट ट्रिक लगानी है लगाओ,
लर्निंग में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कंपटीशन में जितनी शॉर्ट ट्रिक लगानी है उतनी लगाओ, जितने छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, तो हमें जीतना है बस, सिलेक्शन चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू ऑफ रूट्स लिख देते, वैल्यू ऑफ रूट्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू, ऐसे कहा था, नो फैक्टराइजेशन, नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट निकालो। दूसरा केस, जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, यानी कि d इज ग्रेटर देन जीरो, कैसे रूट्स आए थे खुद बताओ, रियल एंड, सही बता रहे हो, रियल एंड अनइक्वल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या वैल्यू होगी सर, माइनस, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि d जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, तो कोई ना कोई वैल्यू तो देगा ही देगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर रह जाएगा रूट से, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में छोड़ दो, मैक्सिमम जितना बाहर आ सकता है उतना निकाल लो, जैसे भैया अंडर रूट। दिक्कत मेरे साथ यही है यार, हर चीज को समझाना चाहता हूँ, कुछ छूट ना जाए, बस यही प्रॉब्लम है। अब हो सकता है क्वालिटी भी हो, है ना, अंडर रूट एट मत लिख देना कहीं, छोटे बच्चे नहीं हो, टू रूट टू लिखना, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बड़ी वैल्यू हो तो जितना मैक्सिमम उससे बाहर आ सकता है उतना निकालो। अंडर रूट 23 आया तो उससे तो कुछ आ ही नहीं सकता, समझ गए ना बात को, अब क्या कहना चाह रहा था मैं, अपॉन का 2a, ये अपना बिंदास या फैक्टराइजेशन लगाओ आपकी मर्जी। तीसरा, जब d की वैल्यू जीरो से छोटी आए, कुछ बच्चों को यही साइन समझ में नहीं आते, तो उन नन्ने मुन्ने बच्चों के लिए अपन लिख देते हैं यार पॉजिटिव नेगेटिव, क्या करें बताओ, क्या करें, जान दे दें क्या, है अब भी नहीं पढ़ोगे क्या। उसके बाद तो जान दे देंगे तो हंस रहे हो, जान दे देंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, है इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स को खोना चाहते हो, है ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल हो गया, और यहां पे कैसा था, नो रियल रूट्स भी लिख सकते हैं, अनइक्वल की जगह एक वर्ड और भी लिखा हुआ आ सकता है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है क्या, हाँ जी, इमेजिनरी लोग लिख देते हैं ना, नो रियल रूट्स, हम तो फाइंड करते हैं इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स, चलो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्लास 10 में इसको छोड़ दो, लेकिन सिखा तो दिए है ना, सेम फार्मूला से अप्लाई हो जाएगा, सेम फार्मूला से अप्लाई हो जाएगा, बस अंडर रूट डी में जो भी वैल्यू आई है उसके साथ आई जरूर लग जाएगा, माइनस का साइन हटा दो, आई लगा दो, जो वैल्यू लिख देते हैं यार हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो भी माइनस में आया उस माइनस को हटा के आई लगा दो अपॉन टू है। तो बिंदा ये क्लास 11 का हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आज भी उठा के देख ले कोई भी 10 क्लास का बच्चा। तो ये तो हो गया बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का बेसिक, अब होंगे सवाल बैक टू बैक, शुरुआत होगी मदर बुक से, माताजी से, एनसीईआरटी किताब से, 3-4 सवाल दिए उन्होंने बच्चा सवाल, उसके बाद आरडी शर्मा अंकल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कहीं से उठाओ, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरडी शर्मा सर ने काफी मेहनत करके अच्छे सवाल बनाए हैं, बेटर लगते हैं आपके पास जो भी बुक है यार, हमने तो कॉन्सेप्ट सिखाए, तो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहता मैं, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं होते, है ना, शेर बन गया ये तो भाई। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे यहां से, कहां से, यहां से, पीडीएफ खोला हुआ था फोन में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स आर रियल, इफ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज आपकी 4.4 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, रूट्स का नेचर बताना है, और अगर नेचर उसका रियल में आ रहा है, रियल मतलब या तो रियल और इक्वल या रियल और अनइक्वल, इमेजिनरी ना हो, तब उन रूट्स की वैल्यू भी बतानी है। तो क्वेश्चन 1 का 1 यानी कि पहला सवाल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए, है, यस सर, रू क्या निकालना है, नेचर, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंस b की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर, अभी तो बच्चों की तरह कर दे रहे हैं, चम्मच से खिला देते हैं, हर बार चम्मच और रसगुल्ला नहीं मिलेगा, कभी रसगुल्ला भी टाइट होता है और चम्मच भी गायब होता है, कोरिलेट करिएगा यार, रसगुल्ला नहीं खिला रहा हूं आपको, है, क्वेश्चन भी मुश्किल होता है, हिंट भी गायब होता है। तो a की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू है 5, कुछ बच्चे क्या होता है मतलब यहीं पे 0 लिख देते हैं, अरे भाई क्या ये क्या पागलपंती है, तुम्हें बताया है उसने क्या 0 आ रहा है, पहले d की वैल्यू तो निकालो, अगर वो कहता है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल और इक्वल हैं, तब 0 लगाओ ना, आएंगे उस पर भी आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जाए 8, 5 40 है वाकई में, 5 2 जाए 10,
अच्छा जी, -3 का स्क्वायर 9, -4 2a, सही है। तो 9 में से 40 गया, कितना बचा? -31। लिख दो नो रियल रूट्स। रूट्स रियल हिच नहीं है तो सॉल्व का हिच करोगे, सॉल्व क्या करोगे, है ना? समझ गए बात को? हाँ जी समझ तो गए सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं लगती है, डर लगता है भैया। -4, a की वैल्यू 2 थी, c की वैल्यू प्लस में ही थी, हाँ तो ठीक ही है फिर, सही। ओके आगे दूसरा क्वेश्चन, 3x² - 4√3x + 4 = 0, ये रहा क्वेश्चन, बताइए इसके बारे में भी बताइए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, b² - 4ac, तो -4√3 का स्क्वायर। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती नहीं होगी, ये रूट वूट का पूरा गेम सिखा दिया। 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 3 = 48, है ना? 4 3 = 12, 12 4 = 48, आया 0, यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या सिखाया था तुम्हें तुम्हारे मास्टर साहब ने, तुम्हारे टीचर यानी कि मैंने, क्या सिखाया था बताओ? कि रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गलती से मतलब आ देना, बहुत मारूंगा। x = होगा -b/2a, इतनी देर से मजाक नहीं किए थे, इतना क्यों पढ़ाए थे फिर आपको, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो -b/2a, -b - -4√3/2a, a की वैल्यू 3, मजा देखना तुम अब। -+++4√3/2 3 = 6, कट करें, 2 2 = 4 2 3 = 6, तो ये हो गया 2√3/3। हालांकि और भी कट सकता है लेकिन वो रूट में आ जाएगा डिनोमिनेटर, फिर रेशनलाइजेशन करो तो बढ़िया बना बनाया। तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल और दोनों रूट्स यही होंगे। कहां है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कहां है फैक्टराइजेशन मेथड? कहीं नहीं है, फायदा उठाओ चीजों का। तो डिस्क्रिमिनेंट के बिना ये सब करना पॉसिबल नहीं था, जैसे मेरे बिना समझना थोड़ा मुश्किल था ये। नहीं यार, बहुत सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना? सबका अपना अपना मेथड है, किसी बच्चे को कहीं से समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी से समझ में आता है। तो ऑल टीचर्स आर डूइंग वेरी वेल, वेरी ग्रेट जॉब। बड़ा मुश्किल काम है बच्चों ये, सबके सामने जाके पढ़ाना, नर्वसनेस होती है, हाथ कांपते हैं, कांपते तो हैं स्टार्टिंग में, ठीक हो गई बात। तो ये था क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी के हैं टोटल सवाल 4, 3 है यार, ये वाला खुद करो, होमवर्क में करो सारे क्वेश्चन। भैया हलवा चम्मच वाली बात हो जाएगी, प्लस इसका खुद निकालो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम पे अलग सीरीज चलेगी 3 लेक्चर की कम से कम, या 2 लेक्चर, 3 लेक्चर की सीरीज बनेगी कम से कम। एक बार में एनसीईआरटी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज होगी, और फिर एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नंबर के क्वेश्चन, एज के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, बहुत कुछ है यार। चार लेक्चर बनने चाहिए कम से कम वर्ड प्रॉब्लम पे, तब जाके वर्ड प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बनती है। वर्ड प्रॉब्लम से ही तो डर लगता है बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले लेक्चर्स के बारे में हिंट मैं आपको देता रहता हूँ कि काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल एग्जाम में 90% यहीं से आता है, मैं बता दूं आपको। वो पहले ही बता देगा कि रूट्स का जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल है, k की वैल्यू बताओ। एक सवाल दिखाता हूँ, 2x² + kx, लेकिन ये बच्चा सवाल है, सवाल तो वही था जो अपने स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखा था मैंने, तो उसको भी शहीद करेंगे अभी, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बोल रहा है ना, खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। पूरा प्रेजेंटेशन बता रहा हूं बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, तो ये लिखना पड़ेगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d = 0। अब लिखो ना यार d = 0, डी की वैल्यू b² - 4ac = 0, b² k², एक्स का कोफिशियंट जो भी आ जाए। अभी तक बच्चों को एबीसी की पहचान नहीं है, अरे पहला लेक्चर जाके देखो यार, पॉलिनोमियल में पहले सिखाया था, पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है अपनी, पढ़ी है ना शायद। k² - 4 a की वैल्यू
टू, सी की वैल्यू थ्री इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर माइनस फोर टू जो एट, थ्री जो ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर, और जब के से स्क्वायर हटेगा तो आगे लगेगा प्लस माइनस, चेक करना पड़ता है। 24 कहा था ना यार, सॉल्व करके देख लेना 24 से क्या बाहर आ रहा है, 24 से क्या बाहर आता है, 2 टू ज 4, 2 ज 8, 3 ज 24, 2 टू ज 4, 4 6 ज 24, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6। तो k की वैल्यू आप प्लस 2 रूट 6 कर लीजिए या माइनस 2 रूट 6 कर लीजिए, और यहां रगवा के देखिए, फिर इसको सॉल्व करिए, इंफॉर्मेशन क्या जनरेट हुई। लास्ट का काम तो यही है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू, सफेद अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि यहां तो सफेद अकाला तो है नहीं। तो इंफॉर्मेशन क्या जनरेट हुई, अगर हम के की जगह टू रूट सिक्स या माइनस का टू रूट सिक्स रख दें और इसको सॉल्व कराएं, तो इस बात की गारंटी है, ठप्पा लगा के गारंटी है कि जो इसके दो रूट्स दिखाई देंगे वो दोनों एक जैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। यस, समझ गए बात को। हाँ, पिंकी प्रॉमिस है इस बात का, देख लो ठीक हो गई। तो उम्मीद करता हूं समझ भी तो आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन और है यार, एनसीईआरटी का मदर बुक है, तो उड़ा लेते हैं क्वेश्चन को, उड़ा लेते हैं। क्वेश्चन है के एक्स, सर ये नहीं करूंगा मैं, ये हो गई मेरे साथ बेईमानी, सर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, सर ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं। तो अरे बच्चा, पहले सॉल्व तो करो, पेशेंस तो रखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व तो करो, क्वालिटी स्टूडेंट वाली रखो, रो ना पहले स्टार्ट कर देते हो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अरे देखो तो क्वेश्चन, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो तो के एक्स स्क्वायर बनेगा, के एक्स की मल्टीप्लाई टू से करो, माइनस है ना, तो माइनस का टू के एक्स बनेगा, सिक्स अपना ऐसे ही है, सही है कि नहीं सही है, क्या है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर दो बार के आ गया, अरे दो ही बार आया है, अभी तो तीन बार भी आएगा, ये तो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं बेटे, समझ गए, चलो मारो जल्दी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट डी इक्वल टू जीरो, लिख नहीं रहा हूं आप समझ गए, तुम शॉर्ट करूंगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, ठीक है सर, बी की वैल्यू माइनस का टू के का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए की जगह के, सी की जगह सिक्स, सर ये तो रेल बना दी आपने। हाँ यार, अब तो रिजर्वेशन हो चुका है, अब काय को डर रहे, पैसेंजर में क्यों सवार हो, अब तो एक्सप्रेस पे चलो। तो टू का स्क्वायर फोर, फोर के स्क्वायर माइनस का फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, सर के बराबर जीरो, के कॉमन मिलेगा साथ में फोर भी कॉमन मिलेगा। अरे जैसे फैक्टराइजेशन करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ के आयो, यहां तुम कुछ बच्चे कहते सर इसमें भी क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर ले, कर लो बिंदास कर लो, लेकिन ये इतना आसान है यार, इसमें क्वाड्रेटिक लगाओगे तो बेवकूफ कहलाओगे, पूरा क्वाड्रेटिक अगर कोई इक्वेशन बन जाए के की फॉर्म में खतरनाक सी बनती है, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बिंदास। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k में 4 कॉमन ले लिया 4k, तो ये बचा k माइनस 6 बराबर 0। तो सर एक बार 4k को 0 रख ले, हाँ बेटा, एक बार k माइनस 6 को 0 रख ले, हाँ बेटा, k की वैल्यू सर 0 कर ले, हाँ बेटा, k की वैल्यू 6 कर ले, हाँ बेटा, सर अब वही बात आपकी अप्लाई करें, हाँ बेटा करो, सर k की जगह 0 रखवाएं और सर k की जगह 6 रखवाएं तो सर रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, गलत बेटा, अरे बाप रे, k इक्वल टू जीरो अगर तुमने कर दिया, इक्वेशन क्या बनी थी ये, थोड़ा दिमाग बस यही 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 यही, अगर तुम समझ पाओ ना, इस टाइम बहुत एनर्जी रेडिएट हो रही है मेरे अंदर से, क्या करूं, ऐसा लगता है एक ही बार में सारी चीजें समझा दूं पढ़ा दूं। अगर तुम अगर k की वैल्यू जीरो कर दोगे, k की वैल्यू अगर जीरो कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी कहां, ये खत्म हो गया, ये खत्म होगा, 6 6 बराबर 0 कहां होता है, तो पहले आंखें खोल के चेक कर लिया करो, क्या ये जो वैल्यू हमने निकाली है क्या ये वैलिड भी है। तो k इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पे तो इक्वेशन ही खत्म हो जा रही है, लाइसोजोम्स वाला काम हो जा रहा है, बायोलॉजी वाला, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, खुद को ही खा जा रहा है ये है, यार बायोलॉजी 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, लाइसोजोम्स, अरे बायोलॉजी बहुत आती है, अच्छी है सर बायोलॉजी पे लेक्चर, ना 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 ना, मैथमेटिक्स। के बराबर 6, k की वैल्यू अगर यहां पे 6 रखवा दो तो इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे बिंदास, एनसीईआरटी के जो डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन थे, बच्चा क्वेश्चन, वो हो गए सॉल्व। चले आगे, तो एक बार वीडियो को देख लिया जाए, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ तो बढ़िया चल रही है, 34 यानी कि 34 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, लेकिन प्रॉमिस किया था तो कुछ क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे ही, है ना।
अगर उसके बाद भी सवाल रह जाते हैं तो मुझे लगता है रह जाएंगे। एक घंटे का लेक्चर देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बोर तो नहीं करता हूं ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, ओके, तो कुछ क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, ये भी हटा दो, ये जो लिखा हुआ है कि टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट, ये भी हटा दो, जगह चाहिए होगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हर सवाल में यही पूछेगा, तो एक बार क्वेश्चन लिख देते, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। वो समझ गया, बस मैं इतना लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सबके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे जो भी मैं लिखूंगा। आरडी शर्मा सर, एक्सरसाइज 8.6 मेरी बुक शायद अपडेट है, वरना उन्होंने अब दो लेवल, हाँ लेवल वन लेवल टू वाली बुक है मेरे पास, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 8.41 पेज नंबर पे मिल जाएंगे सवाल। तो शुरुआत थोड़ा ढंग से करेंगे, ढंग से यार, कोई अच्छे सवाल से करेंगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9 दिख रहा है, शायद पता नहीं मैंने लिखा भी यही था। चलो चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ये है 3K+1, ऐसे क्वेश्चन आए हैं 3-3 मार्क्स के, 2K+1। अब हो रहा है भैया स्टार्ट काम, प्लस के इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो के की वैल्यू बताइए। हाँ, अब बताइए हाउ इज द जोश, हाई सर या लो सर? हाई सर। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर 2K+1, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मगर डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो और आ जाओ, नहीं है बाकी में प्यास लग रही है ना इस टाइम, बोलते बोलते 35 मिनट लगातार हो चुके हैं। तो 2K+1 का होल स्क्वायर, मगर आप लोगों का मोटिवेशन है जो जिंदा रखता है, ठीक है ना, जो जिंदा रखता है इस बात पे। तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 3K+1, सी की वैल्यू के इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर हो गया बेटा, एक्स का कोफिशियंट बी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होगा, हमेशा याद रखो, बिकॉज जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और जो टर्म फ्री ऑफ वेरिएबल होगा, फ्री ऑफ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई एक्स नहीं लगा होगा, वो अपना सी होगा, बचुआ छोटा सा। ओके, 2 का स्क्वायर 4, और इस पे हम के प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं अभी, चलेगा चलेगा। माइनस का 4, 3K+1 की मल्टीप्लाई कैसे कराने, 4 अंदर क्यों नहीं डलवाया पता है यार, थोड़ा सा दिमाग अभी सीखोगे, बच्चे हो, k की वैल्यू 3 कैसे कराओगे, क्या बनेगा 3K² k की वैल्यू 1 से कराओगे क्या बनेगा, प्लस का k इक्वल टू 0, खत्म। 4 कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लेके 0 के डिवाइड में भेजो, खत्म, इतना टाइम नहीं है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो, k² + 1 प्लस का 2k, इस माइनस को खोलो, माइनस का 3K² माइनस का के इक्वल टू जीरो। सर 4 कहां गया, 4 कॉमन लिया, 0 के डिवाइड में भेज दिया, खत्म हो गया। एक बात को चार चार बार नहीं पूछा जाता, के स्क्वायर माइनस का 3K² माइनस का 2K² प्लस का 2K माइनस का के प्लस का के एंड प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। थोड़े बड़े हो जाओ, ऐसे ना निकलेगा JEE, हाँ बेस बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है JEE के लिए, लेकिन वहां पे लेवल उसका अलग ही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है यार बेस, पहले बच्चों का बेस बनाऊंगा भैया डायरेक्ट। मुझे बहुत सारे व्यू सब्सक्राइबर, ये कुछ नहीं चाहिए, हाँ JEE 1 मिनट में 2 मिनट में सीखो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हैं, बिल्कुल बस व्यूज मिल जाए कहीं से भी, जैसे 1 घंटे में JEE निकलवा के रख रहे हैं, 1 घंटे में कॉम्पिटिशन, 1 घंटे में स्कॉलर बना रहे हैं बच्चों को, सब चूरन बिक रहा है यार। पढ़ना है पढ़ो भैया, स्क्वायर वाले टर्म यार कभी नेगेटिव रखते नहीं है ना, कन्वेंशन है, कन्वेंशन नहीं है, फायदा भी रहता, सबको उधर ले चलो, उधर ले चलो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का ये हो जाएगा 2K² माइनस, प्लस का के हो जाएगा माइनस का के, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, सही है। अब इसके फैक्टराइजेशन करा लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 2 से माइनस 1 बनाना है, तो माइनस का 2K ले लेते हैं, प्लस का के ले लेते हैं, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा हो जाएगा, फैक्टराइजेशन बस 2K कॉमन ले लिया, तो K-1 और ये भी K-1 है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 है मैथमेटिक्स में, वरना तो गॉड है।
तो k माइनस वन एंड टू k प्लस वन इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू वन एंड k इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, मुश्किल था क्या बताइए? नहीं होगा क्या? क्या तीन नंबर में लाइक क्वेश्चन नहीं है? भैया जहां तक सोच सकते हैं मैथमेटिक्स उससे भी कहीं आगे है, सिर्फ फुद्दू से क्वेश्चन नहीं आएंगे सिर्फ करने को। जल्दी नोट करिए, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए हट गए अलग, ठीक है हो गया। ओके वो जो क्वेश्चन लिखे थे स्टार्टिंग में कुछ इसी टाइप का था, वो भूल गए क्वेश्चन कौन सा था। नहीं यार नहीं, इंसाफी हो जाएगी, उसके चक्कर में सारे क्वेश्चन कराने पड़ जाएंगे। सही है, वरना फिर स्टार्टिंग में जाके वीडियो को देखना पड़ेगा। है मिल गया मिल गया मिल गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिल गया मिल गया मिल गया। क्वेश्चन था k प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री। एक प्रूफ वाले क्वेश्चन का वीडियो और आएगा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कि भैया ये प्रूफ करके दिखाओ इसके रियल एंड इक्वल रूट्स। k की वैल्यू नहीं पूछेगा, फिर प्रूफ करने को पूछेगा। बहुत बढ़िया सवाल हैं, कुछ गिने चुने सवाल। फिलहाल ये हो गया, फिर से वही काम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। जब इस लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा तो छोटे वाले क्वेश्चन तो फिर बना ही लोगे आराम से। तो बी स्क्वायर टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए की जगह के प्लस वन सी की जगह के प्लस एट इक्वल टू जीरो। सही है, टू का स्क्वायर फोर, के प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस का फोर। अब फिर से वही कहानी आ गई, फोर फोर फिर कॉमन, फोर फोर फिर कॉमन, जीरो के डिवाइड में गया, खल्लास खत्म, लो हो गया खत्म, गया टाटा बाय बाय। के प्लस वन की मल्टीप्लाई के प्लस एट से करेंगे, क्या आएगा सर? के स्क्वायर आएगा, एट के प्लस वन के सर नाइन के हो जाएगा। यार प्रैक्टिस की बात है, देखते ही दिमाग इतना था। अब तुम एक बात बताऊं मैं तुम्हें, क्लास नाइन्थ में x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैं यूज करता हूं, आपने पढ़ा है, मैं यूज करता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एंड एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, रट्टाफिकेशन और समझना, है ना? वरना वन की मल्टीप्लाई कैसे करी सर? वन के सर, एट की मल्टीप्लाई कैसे करी? एट के, फिर सर अगली स्टेप में उनको ऐड करेंगे नाइन के, इतना टाइम नहीं है बेटा। सही है, समझ गए बाप कौन खड़ा हुआ है सामने, समझ गए ना? हाँ जी ठीक है यार, मिलके चेंज करेंगे पूरा सिस्टम, उम्मीद बना के रखो। हाँ तो चार चार कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। k प्लस थ्री का होल स्क्वायर करिए जरा, k स्क्वायर प्लस का नाइन प्लस का टू ए बी टू थ्री सिक्स के, इधर माइनस खोल दीजिए, माइनस का k स्क्वायर माइनस का नाइन के। उम्मीद से ज्यादा आसान हो गया ये, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया। सिक्स के माइनस नाइन के माइनस का थ्री के, नौ माइनस आठ प्लस वन इक्वल टू जीरो। थ्री के उधर चला जाएगा तो थ्री के इक्वल टू वन एंड के इक्वल टू वन बाई थ्री। लेट मी चेक द आंसर, लेट मी चेक द आंसर, है ना? आंसर चेक करना बहुत जरूरी है। के इक्वल टू वन बाई थ्री, बिल्कुल सही। अब बताओ अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, और इसी बात पे वीडियो की ड्यूरेशन कितनी बन रही है, 43 मिनट। तो 45 मिनट, हाँ लगभग काफी अच्छा लेक्चर हो चुका है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर आरडी शर्मा का वादा किए थे दो क्वेश्चन करा के रास्ते में छोड़ के जा रहे हो, यार ये मैथमेटिक्स है। अगर वही, मैंने वही बोल रहा ना, अगर हलवा चम्मच बना दिया ना मैंने, हाँ अगर डिमांड आएगी, डिमांड आगे जाके जब अपन थोड़ा फेमस होंगे और बच्चे कहेंगे ना कि सर बुक का सॉल्यूशन लेके आइए आरडी शर्मा का, पूरा ऐसे ही मजेदार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो पीडीएफ में तो बहुत मिले, बुक का ऐसा मजेदार सॉल्यूशन नहीं मिला। एक साल लगता है बनाने में कम से कम, इतने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर तब बनाएंगे, काम करेंगे, अभी सीखो यार। है ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। के एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का वन इक्वल टू माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का। सर इसमें तो कंफ्यूजन हो रही है, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है, इधर उठा के लाओ। के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, के एक्स इस एक्स को इधर उठा के लाओ, प्लस एक्स प्लस वन यहां पर ऑलरेडी था। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले डालो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बनेगा सर? के प्लस फोर बनेगा। अब आया ये अपनी हालत में असली, एक्स स्क्वायर वाला एक ही होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डोंट फॉरगेट दैट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कि x प्लस एक्स, सर x कॉमन ले लो, k प्लस वन बन जाएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया। सही है। अब लगाओ, अब इसको भी सॉल्व करके दें क्या? चलो, तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी डायरेक्ट लिख दो, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट्स हैं रियल एंड इनइक्वल, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर, a की जगह k प्लस फोर, c की जगह सर अब फोर कॉमन नहीं मिला तो इधर आसान हो गया, k प्लस वन का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू के, और माइनस फोर की कैसे कराएंगे, माइनस का फोर के, माइनस फोर की प्लस फोर से कराएंगे, माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर प्लस का टू के माइनस का फोर के, माइनस का टू के, और प्लस का वन माइनस का सिक्सटीन, माइनस का फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। सही सर, क्वाड्रेटिक बन गया। हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन में तो कहा था कि एक बच्चे ने कहा कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हाँ बिल्कुल, बिंदास लगाओ, धूमधाम से हो जाएगा सवाल, बिल्कुल ढोल धमाके के साथ हो जाएगा। वरना फैक्टराइजेशन अगर मजबूती से आ गए, और अपना लेक्चर आपने देखा है ना, फैक्टराइजेशन तीन टाइप का जो पूरा एक घंटे का लेक्चर जो डाला हुआ है, अभी भी प्ले लिस्ट में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मेरा बाकी में सजेशन है, ये लेक्चर मत देखिए, वो वाला ज़रूर देख लीजिए। अब तो देख ही लिया है सर, अब कह रहे हो लास्ट में, डायलॉग है ना। ठीक है, हो गई बात। अच्छा जी, तो फैक्टर कर लेते हैं, 15, 35 जो 15 से हो जाएगा ना, के स्क्वायर 35 जो 15, हाँ, तो माइनस का 5 के प्लस का 3 के बन रहा है ना, माइनस का 2, हाँ, माइनस 15 बराबर 0, के कॉमन ले लिया क्या बचा, के माइनस 5, 3 कॉमन ले लिया क्या बचा, के माइनस 5 इक्वल टू 0, एक हो गया k माइनस फाइव, एक हो गया k प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक k की वैल्यू हो गई 5, एक k की वैल्यू हो गई माइनस का 3। अब देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं करेगा ये, 5 5 4 9 पे भी सही है, माइनस 3 प्लस 4 पे, हाँ, बिकॉज ये जो x स्क्वायर जो मैंने आपको पढ़ाया था, देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे मैं बोलता था a नॉट इक्वल टू जीरो, अगर a जीरो हो गया तो इक्वेशन ही कहां बचेगी फिर, ये याद होगी ना पहले लेक्चर की बात है। तो अगर यहां k की वैल्यू माइनस फोर आती है तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो जाता, तो वो माइनस फोर एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन माइनस फोर तो नहीं आ रहा ना, प्लस का पांच माइनस का तीन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बच्चों यहां पर आपका लेक्चर अब होता है ना कंप्लीट, बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूटा है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है। तो बहुत यकीनन मुझे पढ़ाते हुए बहुत मजा आया, तो उतना ही मजा आपको देखते हुए भी आएगा। प्यार अपना बरकरार रखिए, बने रहिए मेरे साथ आने वाले लेक्चर में, और थोड़ा सा क्या करिए, सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब, हाँ बोलना चाहिए ऐसा, चलिए बोल देते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। बाकी शायरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो इन्हीं लाइनों के साथ आपसे लूँगा मैं विदा, बहुत मज़ा आया यकीनन, और अपना बहुत ध्यान रखिए, काफ़ी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, थर्ड वेव आने का चांस है, तो मुश्किल टाइम है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, भाई बहन का सिबलिंग्स का ध्यान रखिए, सबको प्यार से रहिए, प्यार करिए सभी को। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।